सो गाइस, क्या आप भी व्हाट्सएप पर हिंदी लिख के इंग्लिश में बात करना चाहते हो? तो गाइस इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो गाइस मैं बताऊंगा, यदि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं एंड जब भी कोई आप चैट करते हैं तो गाइस वो आपका यहाँ पर इंग्लिश में जाता है। तो गाइस इंग्लिश की बजाय आप मतलब हिंदी में लिखोगे तो गाइस आपका यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेटर हो जाएगा। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट देखना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो सो गाइस सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप में अंदर आने के बाद गाइस कोई भी जैसे यहाँ पर कोई भी किसी भी व्यक्ति को आप मैसेज करते हो, जैसे मैं यहाँ पर किस कर देता हूँ ना, तो गाइस आप यहाँ पर मतलब हिंदी में टाइपिंग करो तो इंग्लिश में जाए। तो गाइस आपको सिंपली जैसे गूगल के यहाँ पर मैं बोर्ड पर करता हूँ, तो गाइस आपको इधर उस लैंग्वेज को लिख लेना है जिसका ट्रांसलेटर आप इंग्लिश में करना चाहते हो, इधर उसको लिख लेना जिसमें जिसका ट्रांसलेटर आप हिंदी में करना चाहते हो। तो गाइस मैं यहाँ पर हिंदी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इंग्लिश। तो गाइस उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर हिंदी में टाइप करता हूँ, जैसे मैं कोई भी यहाँ पर जैसे मैं अपना यहाँ पर नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने अपना नाम लिखा तो गाइस ऊपर यहाँ पर मैंने राहुल लिख दिया, तो गाइस ऊपर इंग्लिश में ट्रांसलेटर बिल्कुल अच्छा चल रहा है ना। जैसे मैं क लिखता हूँ तो खरा, जैसे त लिखता हूँ तो थारा ना, इस प्रकार जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नई, तो गाइस वहाँ पर नई यानी न्यू आ चुका है। जैसे गाइस मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई लव यू, तो गाइस देखिए वहाँ पर हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेटर हो रहा है। तो गाइस काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन सिंपली आपको आना होगा प्ले स्टोर पर, यहाँ पर आपको टाइप करना है हिंदी। सो गाइस आपको यहाँ पर टाइप करना है हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटेशन ऐप। सिंपली आपको जो फर्स्ट नंबर का देखने को मिलता है इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके 11 कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।